तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। डेढ़ो महादानी मैदान स्थित रंगमंच पर विवेकानंद जयंती सह राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एकल अभियान रातू अंचल के बेड़ो संच के तत्वाधान में इको वेदा हर्बल कंपनी ने निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर बेड़ो संच अध्यक्ष डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता, आरएसएस के रंजीत खत्री व वैद्य राकेश मिश्रा ने किया। वहीं वक्ताओं ने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विवेकानंद जी के विचार को जीवन में उतारें, साथ ही विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों लोगों के बीच निशुल्क दवा का वितरण किया गया। शिविर का आयोजन का उद्देश्य कोरोना महामारी से बचाव हेतु आयुर्वेद दवा का प्रयोग कर लोगों को निरोग रखने का था। कार्यक्रम में एकल गांव के लोग एवं सभी आचार्य आचार्याओं के साथ साथ वर्तमान सिंह, रूप रानी देवी, मुन्नी लकड़ा, मिथिला देवी, गीता देवी, मुकेश गोप, बबीता देवी, आरती कुमारी आदि उपस्थित थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। यहाँ जो आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके संबंध में थोड़ा सा बताइए क्या है? ये आपका हर्बल का एक शिविर है, आयुर्वेद का शिविर है, जिसे हम लोग चाहते हैं सभी के गाँव को, अगल बगल सभी को जागरूक करें कि आयुर्वेद खाए, आयुर्वेद खाते ही रहें, आयुर्वेद खा करके स्वस्थ रहे। हम लोग का यही प्रयास है कि हरेक गाँव हो, हरेक शहर हो, जा करके निःशुल्क शिविर लगाएं और वहाँ पर जा करके सभी को निःशुल्क दवा का वितरण करें और सभी को हम लोग चाहते हैं सभी लोग निरोग बने। प्लस में है कोरोना महामारी बहुत बड़ा अनिष्ट है, इसको लेकर के बहुत सा सभी को दुखित हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं इसी से बचने के लिए कुछ कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी पावर को बूस्टर करता है और अंदर को बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। इसी के तहत हम लोग कुछ दवा को वितरण कर रहे हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार मिश्रा। विवेकानंद जी का जयंती मना रहे हैं, सेवा ही जिनका धर्म था उन्हीं के जन्म तिथि के अवसर पर आज हम लोग एक शिविर का आयोजन किए हैं। इस शिविर का उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहें और अभी जो कोरोना महामारी चली हुई है उसमें अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके लोग बीमारी से बचे रहें और हम लोग का एक ही उद्देश्य है सब लोग स्वस्थ रहें और निरोग रहें। रमेश प्रसाद गुप्ता।